दार्जिलिंग में 11 बजे पिरामिड हुआ है और कितना तेजस्वी लोग है हमारे पास अभी भी। भाई कौन सा गंजा फूके हो, नेपाली और आए भी तो दार्जिलिंग में और चाय नहीं पियो, ऐसा हो भी सकता है क्या? क्या बॉयस, कैसा है चाय? ओके सो हेय व्हाट इज अप एवरीबॉडी। सो अभी हम लोग घर से निकलने ही वाले सिक्किम के लिए, सब कुछ रेडी है। जस्ट अभी हम लोग कैसे निकलने ही वाले, पीछे आप लोग देख ही सकते हो कि बैकपैक सब कुछ रेडी है, जस्ट ऐसे निकलने ही वाले हम लोग। सो उससे पहले मैं आप लोगों को पूरा सीन बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे सिलीगुड़ी जहाँ पे मेरा भाई रहते हैं, और यहाँ से मैं और मेरा एक मित्र और मेरा एक और भाई जाएगा। सो हम लोग कैसे पहले सिलीगुड़ी जाएंगे मेरे भाई के वहाँ, कल सुबह 7 बजे के अंदर हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे नहा धो के दोपहर के अंदर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। सो हम लोग सिलीगुड़ी से पहले जाएंगे दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से जाएंगे लाचिन, लाचिन से जाएंगे गुरुडंगमर लेक, गुरुडंगमर लेक से धीरे धीरे करके घर लौट आएंगे, गुरुडंगमर लेक से लाचिन, लाचिन से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से घर। सो अभी 4:20 में हम लोगों को लोकल ट्रेन पकड़ के सियालदह स्टेशन जाना है, और अभी टाइम हो रहा है 3:54। सो अभी फटाक से बैकपैक उठाता है, सियालदह चलते स्टेशन पे। सो गाइस चलो चलते हैं, चलो चलो। सो हम लोग लोकल ट्रेन से सियालदह स्टेशन पहुंच चुके थे, फिर वहाँ पे पहुंचते हम लोगों ने सबसे पहले डिनर का इंतजाम किया, फिर हम लोग हमारा बैकपैक चेकअप करवा के हमारा ट्रेन ढूंढा, फिर मैं मेरा बेड पे बैठ के एक ऐसा बंदा को दिखा जो भाई लिटरली बेड पे लेट कर पढ़ रहा था। यार इतना डेडिकेशन, इतना डेडिकेशन भाई कहाँ से लाते हैं ये लोग। फिर हम लोग हमारा डिनर कंप्लीट किया, डिनर कंप्लीट करके हम लोग सो गए, और डिनर थोड़ा सा हैवी हो गया था क्योंकि स्टेशन के पास और कुछ नहीं मिल रहा था और ट्रेन के लिए लेट हो रहा, तो हम लोग को वही लेना पड़ा। फिर सुबह उठते ही जो ट्रेन में मॉर्निंग वाला वाइब मिला ना भाई, वो अमेजिंग था डूड। वैसे पूरा सो नहीं पाया था ट्रेन में, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग वाला वाइब। ओके सो गाइस अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं जलपाईगुड़ी स्टेशन पे, और यहाँ खड़े खड़े हम लोग व्यू का मजा ले रहे हैं। जस्ट थोड़ी देर और बाकी अभी जलपाईगुड़ी स्टेशन में पहुँचने के लिए, जस्ट थोड़ी देर और रुक जाओ फिर असली मजा होगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर स्टेशन पे, और भाई आए हैं हमसे पिकअप करने। कैसे? ऑसम ऑसम। सो ऐसे हम लोग जा रहे हैं सीधा भाई के घर सिलीगुड़ी जहाँ पे भाई रहते हैं, और मैं भाई के साथ बाइक से जा रहा हूँ और वो लोग पीछे गाड़ी से आ रहे हैं, तो सीधा उन लोगों से भाई के घर पे मिलते हैं। अभी आए हो भाई के घर पे, और बस इतना सा चीज का साउंड सुनो, इतना सा चीज को क्या क्या बवाल सीन है बे, इतना सा स्पीकर है तो साउंड देखो। तो अभी हम लोग यहाँ से भाई के घर से निकल रहे हैं, हम लोग यहाँ से सीधा गाड़ी लेके दार्जिलिंग जाएंगे, उसके बाद परसों वहाँ से गाड़ी लेके लाचिन जाएंगे। सो अभी यहाँ से चलते हैं सीधा गाड़ी लेके दार्जिलिंग, उसके बाद चलो देखते हैं क्या होता है। अभी 4:36 हुआ है, और अभी हम लोग रुके लंच करने के लिए। भाई साहब जब भी घर से बाहर आओ ना, तो हमेशा कोशिश करो कि लाइट खाना खाने की। यहाँ पर तो हम लोग को लाइट खाना ही मिला था, तो आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है। ट्रैवलिंग में कभी बार ऐसा होता है कि जो भी मिलता है उसे ही खाना पड़ता है, फिर अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या मिलता है हम लोगों को। सो चलो गाइस, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे ठंड बढ़ते जा रहा था, और भाई पहाड़ी से सनसेट एंड सनराइजिंग को देखने का जो भाई मज़ा है ना डूड, वो भाई जस्ट नेक्स्ट लेवल है। आप लोग भी देखो, लेकिन ऐसे वीडियो में देखने में असल अपने आँखों से देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा फर्क है। पहाड़ी से सनसेट एंड सनराइज जस्ट भाई बहुत ही सुंदर दिखता है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग पे, और मैं ना भी थोड़ा सा टायर्ड हूँ, कल से एक बार ट्रेन पे एक बार गाड़ी पे पहुंच गए, ट्रेवल करते ही जा रहा हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं, कल सुबह हम लोग दार्जिलिंग से निकल जाएंगे, तो आज दार्जिलिंग घूमना ही है टायर्ड हो भी तो। सो चलो अभी थोड़ा सा दार्जिलिंग घूमते हैं। सो फाइनली हम लोग को रूम मिल चुका है, और ये है हमारा रूम जस्ट आज रात स्टे करने के लिए, फिर कल सुबह ही निकल जाएंगे हम यहाँ से गैंगटॉक के लिए। सो आज रात के लिए इनफ है ये डबल बेड। सो चलो बाहर की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ पे ना 8:30 के बाद सारा मॉल बंद हो जाता है, तो उससे पहले ना हम लोगों को डिनर का इंतजाम करना पड़ेगा। सो चलो देखते हैं क्या मिलता है अभी हम लोग खाने में।
थोड़ा सा मॉल घूम लेते हैं हम। रात्रि ये वो पागल है जिसको इस ठंड के अंदर कोक खाना है रात में। भाई कौन सा गंजा फूके हो? नेपाली गंजा फूके हम। सॉरी गाइस, इस वेदर में चाय का जो मजा है ना, जो स्वाद है ना, आए हाय। और आए भी तो दार्जिलिंग में और चाय नहीं पियो, ऐसा हो भी सकता है क्या? क्या बॉयस, कैसा है चाय? बढ़िया है, बहुत अच्छा है चाय। दार्जिलिंग टी है, ओरिजिनल दार्जिलिंग टी। चाय लवर भी है हम। चाय लवर डू लाइक बडीज, सच में अच्छा था। I want ring like this. तो मेरे भाई के लिए स्टाइलो लेटर का एक रिंग बना रहा हूँ। भाई बना रहे हैं मेरे रिंग, भाई 5 मिनट के अंदर बना देगा मेरा रिंग। तो देखते ऐसा ही होगा, जस्ट यहाँ पे जो लव लिखा हुआ ना वहाँ पे स्टाइल लिखा होगा और वो मेरे बाइक के लिए होगा। तो देखते कैसा होता है हमारा रिंग। ये मुझे देख के ना पहले से बहुत पसंद आया था, तो सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। इस वाई ना? यह भी बन चुका है हमारा रिंग एंड इसमें आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आए सिर्फ फ़ोटो शूट करने के लिए। अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो शूट करने के लिए आए। ये देखो ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और मैं भी अभी खिंचाऊँगा यहाँ पे। दार्जिलिंग के ऊपर से पहाड़ी का रात का नज़ारा दिख रहा है आप लोगों को? छोटा छोटा सा लाइट चल रहा है पूरा पहाड़ी में। शायद कैमरा उतना सा नहीं आ रहा है लेकिन पूरा पहाड़ी में एकदम छोटा 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 सा लाइट चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसमान में सितारा चमका रहा है एकदम, पूरा काला अंधेरा वहाँ पर छोटा छोटा सा लाइट। वाओ, नेचुरल ब्यूटी और वाट। ये देखो आसमान, ये देखो पहाड़ी, आसमान पहाड़ी। दार्जिलिंग में 11:13 हुआ है। अरे कितना तेजस्वी लोग है हमारे पास, अभी भी कह रहे हैं कि फोटो खींचो मेरा। कितना तेजस्वी लोग है हमारे पास। आया कहाँ से आते हो आप लोग, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो? भाई यहाँ पे पूरा मार्केट सब कुछ बंद हो गया लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ पे घूम रहे हैं। बाय बाय दार्जिलिंग, आई लव यू टू, बाय बाय। अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं और हमारा सारा इक्विपमेंट जस्ट चार्ज हो रहा है। देखो सारा इक्विपमेंट एक साथ चार्ज हो रहा है, इतना सारा फोन हम लोगों के पास और सारा इक्विपमेंट जो कैसा लग रहा है, एकदम तारों का भंडार। सारा इक्विपमेंट एक साथ चार्ज दे रहे हैं हम लोगों ने डिनर पे लिया था दाल थाली, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना है और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाना है, तो हम लोगों ने दाल थाली लिया था। कल सुबह 8 बजे ऐसे निकलूँगा गैंगटॉक के लिए, सो अभी जल्दी से डिनर ख़त्म करके सो जाना है हम लोगों को। सो डिनर ख़त्म करके सो जाते हैं, फिर कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। ओके चलो। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो अभी हम लोग दार्जिलिंग से रूम चेकआउट करके निकल रहे हैं, नीचे हमारे लिए हम लोगों का गाड़ी वेट कर रहे हैं। हम लोग ऐसे सीधा गैंगटॉक जाएंगे, सो अभी चलो रिसेप्शन में जाके चेकआउट करके ऐसे निकलते हैं। चलो यार। कितना हो जाए देखा? 142। अभी तो विघ्न ही आ गया, अभी जल्दी से गाड़ी में लौटते, ज़्यादा विघ्न नहीं। अच्छा दिखता भाई यहाँ से, ना अच्छा दिखता। Damn. Pardon me, I'm French. Hey, बंदा, बंदा, बंदा कौन सी?